हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी जो मेरे चैनल पर जुड़े हुए सेमेस्टर वाले बच्चे, तो उन सभी के लिए साथी और डीएसटी के द्वारा अभी लेटेस्ट एक गाइडलाइन जारी की गई है, जो उनके थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होने हैं 4 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। तो ऐसे सभी छात्रों को मैं बताना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन से पहले ये गाइडलाइन जरूर देख लें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस जारी की गई है आपके एग्जामिनेशन को लेकर। तो साथियों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन तो जरूर दबाइए, ताकि आगे भी आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, सेमेस्टर वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे 2015 वाले हों, 16 वाले हों, 17 वाले हों, उन सभी के जो है थ्योरेटिकल जो एग्जाम होने आपके, वो आपके OMR बेस्ड ही होंगे, यानी कि ऑफलाइन ही एग्जाम होंगे। और आपके एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो आपके ITI में ही पूरे चांसेस है आपके वहीं होंगे। तो देख सकते हैं साथियों, DST के द्वारा जो है 16 सितंबर 2021 को जो है ये गाइडलाइंस फॉर OMR बेस्ड ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर सेमेस्टर सिस्टम अंडर CTS स्कीम के तहत जो है ये जारी की गई है, जो कि 4, 5, 6, 7 अक्टूबर को जो आपके राज्य स्तरीय जो एग्जामिनेशन होने हैं। तो इसमें कुछ हिदायतें यहाँ पर आपके लिए जारी की गई है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं तो वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि जिन छात्रों का जो हॉल टिकट होगा सिर्फ वही एग्जाम दे पाएंगे, दूसरे नहीं दे पाएंगे एग्जाम। और जो है देर विल बी मोर देन वन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। जो ट्रेड है आपकी फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इन चारों ट्रेडों के जो है अलग अलग 4 सेट में आपका एग्जामिनेशन होना है, जैसे कि पहले भी होते थे कि 4 तरह के आपके सेट आएंगे। तो ये इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और जो आपकी बुकलेट सीरीज जो 4 होगी, ABCD, इस तरह से आपको मिलेगी। ये आपके A होगी तो सेकेंड स्टूडेंट को B बुकलेट होगी, अगले की C होगी, फिर D होगी। तो इस तरह से जो आपके क्वेश्चन के जो है सीरीज आपको मिलने वाली 4 की, सिर्फ इन्हीं 4 ट्रेडों की जिनके मैं जिक्र कर रहा हूँ, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और कोपा ट्रेड का। बाकी का सभी का एक एक ही बुकलेट रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये अच्छी सबसे बड़ी बात है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो टाइम टेबल साथियों जारी पहले ही कर चुकी है DST, हमने पहले भी आपको बता दिया था, तो आप DST की साइट पर जाकर देख सकते हैं। और आपने सबसे खास ध्यान रखना है कि OMR के अंदर आपने रोल नंबर, सेमेस्टर, पेपर, बुकलेट, सीरीज, ये बिल्कुल ध्यान पूर्वक भरनी है। अगर कोई भी आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आपका रिजल्ट रुक जाएगा। और सारे कोरोना वगैरह की हिदायतों का यहाँ पर पालन करते हुए आपके जो एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर भी बताया गया कि किन किन का कॉमन रहने वाला है, तो ये पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है सेमेस्टर 1 के अंदर, किन किन ट्रेडों के सेम पेपर रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, पंप ऑपरेटर और मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल, इन सभी का जो सेम पेपर रहेगा। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है, ऐसे ही सेकेंड सेमेस्टर का भी यहाँ पर। तो इस लेटर को जो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां से इसको आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें और भी जो है जनरल गाइडलाइंस भी दी गई है यहाँ पर, तो पूरी डिटेल आप उसमें पढ़ लीजिए। और आपका जो स्टेट वाइज सारा यहाँ पर होना है, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। तो अपना अगर आपने फॉर्म वगैरह नहीं भरा है तो अपनी IT से जो है पता करके भर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो है आपका 4 तारीख से तो एग्जामिनेशन है ही, और बाल जो है ब्लैक पेन से आपने जो है मार्कशीट को भरना है। तो सारी डिटेल यहाँ पर जो है DST के द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर जो है बता दिए, ट्रेड की लिस्ट वगैरह काफी कुछ दिया गया है इस लेटर में। तो जितने भी सेमेस्टर वाले छात्र हैं वो इस वीडियो को जो लाइक तो जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलेगा अपने साथियों में, ताकि जितने भी दूसरे छात्र हैं जो सेमेस्टर वाले एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको भी इन सभी गाइडलाइंस का पता चल जाए, ताकि कोई भी जो है आप गलती ना करें एग्जामिनेशन में। तो फटाफट शेयर कीजिएगा साथियों में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और लेटेस्ट जानकारियों के साथ। जय हिंद साथियों।